अब उसके बाद स्टार्ट होता है हेमीकॉर्डेटा के बाद फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा जो है वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल, सबसे ज़्यादा जाने पहचानने वाला, मतलब जो सबसे ज़्यादा जिसके बारे में इंफॉर्मेशन है, एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एनिमल्स एंड कॉर्डेट्स। ठीक है, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला और सबसे ज़्यादा वेल नोन, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला और सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड एनिमल है, जो डिस्ट्रीब्यूटेड एनिमल्स हैं जगह जगह पर, वो हैं कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स एग्जिबिट ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फॉर्म, हैबिटेट एंड हैबिट। ठीक है, इनके फॉर्म किस किस फॉर्म में पाए जाएंगे, कहाँ कहाँ पाए जाएंगे, क्या क्या इनके हैबिट्स होंगे, उनमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है, बहुत ज़्यादा डिस्टिंग्विशन होती है। तो ये बहुत ज़्यादा एक वास्ट है, वास्ट कैटेगरी है। ठीक है, दिस फाइलम इज डिवाइडेड मेनली इंटू टू ग्रुप्स। इसको मज़ीद दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, एक इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स में और एक वर्टिब्रेट कॉर्डेट्स में। इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स को एक क्रेनिया कहते हैं और वर्टिब्रेट कॉर्डेट्स को क्रेनिएटा कहते हैं। ठीक है, तो चलो आ जाते हैं फंडामेंटल और बेसिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्डेट्स। ऑल कॉर्डेट्स पजेस थ्री बेसिक और फंडामेंटल करेक्टरिस्टिक्स ड्यूरिंग सम स्टेजेस और इन होल लाइफ। ठीक है, तमाम ही कॉर्डेट्स के अंदर तीन फंडामेंटल ऐसी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो या तो उनकी लाइफ के किसी न किसी स्टेज में आती हैं तो फिर पूरी ज़िंदगी उनके साथ चलती हैं। उनमें से वो तीन कौन कौन सी हैं, एक तो नोटोकॉर्ड, ठीक है, दूसरा नोटोकॉर्ड जिसका भी पीछे जिक्र हुआ था, दूसरा डॉर्सल होलो नर्वस सिस्टम, ठीक है, होलो नर्वस सिस्टम, और तीसरा गिल स्लिट्स। ठीक है, ये तीन चीज़ें आपने याद रखनी है जो कॉर्डेट्स में बिल्कुल जनरल हैं, बिल्कुल कॉमन हैं, बिल्कुल बेसिक हैं, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। एंड एज अ फोर्थ करेक्टर अगर हम किसी चीज़ को कंसिडर करें, एंड समटाइम्स टेल इज़ ऑल्सो प्रेजेंट। ठीक है, कभी कभी टेल भी मोस्टली प्रेजेंट होती है। अनजॉइंटेड सॉलिड स्केलेटन। ठीक है, हमारे स्केलेटन कैसा है, हमारे स्केलेटन पूरा एक दूसरे से जॉइंट हुआ हुआ है। ठीक है, इनमें सॉलिड स्केलेटन होता है बट वो अनजॉइंटेड होता है। प्लेस्ड अबव द एलिमेंट्री कैनाल, आपके एलिमेंट्री उनके एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर प्रेजेंट होता है, एंड बिलो द डॉर्सल बॉडी वॉल। डॉर्सल और वेंट्रल मैंने आपको पढ़ाया था, एक जो अपर एक पीठ वाला एरिया और एक पेट वाला, मतलब एक पीठ वाली साइड और एक पेट वाली साइड। ठीक है, डॉर्सल और वेंट्रल हमने पहले ही इंट्रो में पढ़ लिया था। ठीक है, तो इनकी डॉर्सल बॉडी के नीचे, ठीक है, एंड बिलो द डॉर्सल बॉडी वॉल, डॉर्सल बॉडी वॉल के नीचे और एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर, यानी कि इन दोनों के दरमियान में एक सॉलिड स्केलेटन प्रेजेंट होता है जो अनजॉइंटेड होता है, जिसका नाम है नोटोकॉर्ड। ठीक है, एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम अपीयर्ड इन द एम्ब्रायो ऑफ ऑल कॉर्डेट्स। ठीक है, ये इनमें भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम है CNS, और ये तमाम कॉर्डेट्स के एम्ब्रायो स्टेज से ही डेवलप होना और अपीयर होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जब वो कम्प्लीटली डेवलप नहीं हुआ होता है ऑर्गेनिज्म, जब वो एम्ब्रायो स्टेज में होता है तभी से ये अपीयर होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद इट इज़ प्रेजेंट एज सच थ्रू आउट लाइफ बट इन द वर्टिब्रेट्स रिप्लेस्ड इन टू वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, अगर हम इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट, हमने कॉर्डेट्स को डिवाइड किया था, कॉर्डेट्स बहुत ज़्यादा वास्ट फाइलम है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी इसके अंदर पाई जाती है, तो हमने कॉर्डेट्स को डिवाइड कर दिया था दो कैटेगरीज में, एक इनवर्टिब्रेट और एक वर्टिब्रेट कॉर्डेट्स में। ठीक है, तो इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स में तो ये थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट होगा, बट वर्टिब्रेट कॉर्डेट्स में यही जो इनका स्केलेटन है, यही जो इनका नोटोकॉर्ड है, यही जो इनका अनजॉइंटेड स्केलेटन है, अनजॉइंटेड सॉलिड स्केलेटन है, ये कम्प्लीटली कन्वर्ट हो जाएगा एक वर्टिब्रल कॉलम में, जैसे हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है पूरा जॉइंटेड बैकबोन। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा विच इज़ सेगमेंटेड, जिसके सेगमेंट्स होंगे जैसे हमारे वर्टिब्रल कॉलम के सेगमेंट्स होते हैं जॉइंट्स के, जॉइंट से डिस्टिंग्विश हुए हुए। सर्व्स एज एक्सियल एंडोस्केलेटन, ये एज ए एंडोस्केलेटन काम करते हैं। फिर हमारा भी स्केलेटन एज ए एंडोस्केलेटन काम करते हैं, हमारा भी वर्टिब्रल कॉलम एज ए एंडोस्केलेटन काम करते हैं। गिव सपोर्ट टू द बॉडी, हमारा भी वर्टिब्रल कॉलम हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है जस्ट लाइक अस। इनका भी एंडोस्केलेटन, इनका भी जो वर्टिब्रल कॉलम है वो एज ए एंडोस्केलेटन सर्व करेगा और बॉडी को सपोर्ट करेगा। उसके बाद इनका नर्वस सिस्टम, चूँकि डॉर्सल होलो नर्वस सिस्टम है, क्या मतलब हुआ डॉर्सल होलो का, देखो द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन कॉर्डेट्स इज डॉर्सली प्लेस्ड। डॉर्सली का मतलब होता है अपर साइड पर, ठीक है, ऊपर की तरफ, यानी कि पीठ की तरफ। ठीक है, हमारा डॉर्सल हमारे पीठ वाला हिस्सा और हमारा वेंट्रल हमारे फ्रंट पार्ट है। ठीक है, बैक साइड है हमारा डॉर्सल और फ्रंट पार्ट है हमारा वेंट्रल। ठीक है, सो डॉर्सल का मतलब बैक साइड पर, यानी कि अपर साइड पर, अपर सरफेस जो है वो डॉर्सल एरिया कहलाता है, डॉर्सल रीजन कहलाता है। सो डॉर्सली प्लेस्ड का मतलब अपवर्ड प्लेस्ड। ठीक है,
ऑन द टॉप ऑफ द सरफेस लोकेटेड अबव द नोटोकॉर्ड। ठीक है, ये देखो ये हमारे पास इधर नोटोकॉर्ड है। ठीक है, ये नोटोकॉर्ड है, लेबल भी हुई हुई है। ठीक है, नोटोकॉर्ड क्या थी, स्केलेटन था। ठीक है, अच्छा अब इस नोटोकॉर्ड के डॉर्सल प्लेस्ड हुई हुई है नर्व कॉर्ड। ठीक है, नर्व कॉर्ड नोटोकॉर्ड के डॉर्सल यानी के ऊपर ये येलो वाली जो है नर्व कॉर्ड है, लेबल भी हुई हुई है, तो ये नोटोकॉर्ड के ऊपर प्रेजेंट है, नोटोकॉर्ड के ऊपर लोकेटेड है, इसलिए इसे डॉर्सली प्लेस्ड कहते हैं। ठीक है, इट इज़ हॉलो, ये जो हमारी नर्व कॉर्ड है ये हॉलो है, यानी कि अंदर से कैविटी है, इसमें अंदर से स्पेस है इसमें, एंड फ्लूइड फिल्ड, और उस हॉलो पार्ट में क्या फिल हुआ हुआ है, फ्लूइड फिल हुआ हुआ है, एंड नॉन गैंग्लियोनेटेड नर्व कॉर्ड। और ये नॉन गैंग्लियोनेटेड है, गैंग्लिया क्या होता है मैंने आपको बताया था, जब ब्रेन से बाहर हमारे तमाम नर्व्स आकर एक जगह पर, बहुत सारे नर्व्स आकर एक जगह पर, जैसे समझो एक गुच्छा नहीं बना लेती, तो उसे हम कहते हैं गैंग्लियन। ठीक है, तो गैंग्लियोनेटेड नर्व कॉर्ड नहीं है ये, इसके अंदर नर्व्स का गैंग्लियन नहीं बना हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद फेरिंजियल गिल स्लिट्स एंड गिल पाउचेस। फेरिंजियल किसे कहते हैं, फेरिंजिया थ्रोट आप कह लो, जहाँ से आप खाना खा रहे हो, जहाँ से आप सांस ले रहे हो, हम इंसानों में तो फेरिंजिया ये होता है, लेकिन इनके फेरिंजियल गिल स्लिट्स एंड गिल पाउचेस। गिल स्लिट्स क्या हैं, गिल स्लिट्स ये हैं। ठीक है, देखो हर हर थोड़े 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 गैप के बाद आपको क्या नज़र आ रहे हैं, सुराख नज़र आ रहे हैं गिल्स के, जहाँ से आप मतलब जहाँ से ये लोग सांस ले सकें। गिल्स के स्लिट्स हुए हुए हैं, यानी कि गिल्स में पार्टीशंस हुए हुए हैं, गिल्स में थोड़ी थोड़े 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 फासले से सुराख हुए हुए हैं। ठीक है, आर पेयर्ड सेट्स ऑफ ओपनिंग्स, ये पेयर्ड सेट्स होते हैं। ठीक है, ओपनिंग्स हैं इनमें फेरिंजियल रीजन में, इन ये फेरिंजियल रीजन है, इसके अंदर पीरियोडिक जो है ओपनिंग्स है। पीरियोडिक ओपनिंग्स का मतलब हर थोड़े 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 गैप के बाद जो है ओपनिंग्स हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इन एक्वेटिक कॉर्डेट्स इट परसिस्ट एंड फंक्शंस एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ठीक है, जो एक्वेटिक कॉर्डेट्स हैं, जितने भी एक्वस रीजन में पाए जाने वाले हैं, जितने भी वाटरी कॉर्डेट्स हैं, वाटर में पाए जाने वाले कॉर्डेट्स हैं, वो सारे इनमें ये जो फेरिंजियल स्लिट्स हैं ये एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन काम करती हैं, यहाँ से लोग रेस्पायर करते हैं। लेकिन टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स की जब बात होती है तो ये रिप्लेस्ड हो जाती हैं ऑस्टिशियन और ऑडिटरी ट्यूब, पैराथायरॉइड, टॉन्सिल्स एंड थायमस से। ठीक है, टेरेस्ट्रियल मतलब जो लैंड एरियाज़ पर पाए जाने वाले वर्टिब्रेट्स हैं जो वाटर में सर्वाइव नहीं कर सकते, अगर हम उनकी बात करें तो उनमें फिर इन गिल स्लिट्स की जगह पर, इन फेरिंजियल स्लिट्स की जगह पर स्टेशन और ऑडिटरी ट्यूब्स, जिनसे आप सुन सकते हैं, पैराथायरॉइड, टॉन्सिल्स और थायमस की सारी चीज़ें रिप्लेस कर लेती हैं इन फेरिंजियल स्लिट्स को, मतलब इनकी जगह पर ये सब कुछ पाया जा सकता है डिफरेंट एनिमल्स में, डिफरेंट कॉर्डेट्स में, डिफरेंट टेरिस्ट्रियल कॉर्डेट्स में। फिर देखो फाइलम कॉर्डेटा की यहाँ पर जो है मेन क्लासिफिकेशन आपको ब्रीफली बहुत ज़्यादा समराइज करके टेबल फॉर्म में बताई हुई है। हम लोगों ने एक इसको डिवाइड किया था वर्टिब्रेट में, और एक हमने डिवाइड किया था इनवर्टिब्रेट में। वर्टिब्रेट मतलब जिनकी बैकबोन हो, जिनका वर्टिब्रल कॉलम हो, और इनवर्टिब्रेट मतलब जिनकी बैकबोन, जिनका वर्टिब्रल कॉलम नहीं था। ठीक है, जो इनवर्टिब्रेट थे उन्हें हमने नाम दिया था एक्रेनिया। ए का मतलब वैसे भी मैंने आपको बताया है एब्सेंट के लिए शॉर्टली हम यूज़ करते हैं बायोलॉजिकल टर्म्स के साथ ए। ठीक है, एक्रेनिया यानी कि एब्सेंस ऑफ क्रेनिया, क्रेनिया यानी कि स्कल। ठीक है, ये विदाउट स्कल होते हैं, और ये ग्रुप क्रेनिएट्स, क्रेनिएटा यानी कि विद स्कल। ठीक है, अब एक्रेनिया के अंदर आ जाते हैं सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा और सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा। ठीक है, ये एक्रेनिया के मजीद क्लासेस हैं, मजीद सब फाइलम्स हैं। ठीक है, सो एक्रेनिया यानी कि इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स में मजीद दो सब फाइलम्स आते हैं, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा। फिर वर्टिब्रेट जो हमारे कॉर्डेटा हैं उनका सब फाइलम है फाइलम वर्टिब्रेटा। फिर वर्टिब्रेटा की मज़ीद दो सब क्लासेस हैं। ठीक है, एक पहले आ गया फाइलम। ठीक है, फाइलम का आया सब फाइलम, सब फाइलम की फिर आएंगी क्लासेस। ठीक है, फिर इसकी सुपर क्लासेस में भी फिर लेवल्स हैं ना, फिर इसकी सुपर क्लास आएगी एग्निथा, फिर उसके बाद गनेथोस्टोमेटा। ठीक है, फिर जो सुपर क्लास एग्निथा थी उसके फिर थोड़ी सुपर की जगह सिर्फ सिंपल क्लास आएगी साइक्लोस्टोमेटा, और साइक्लोस्टोमेटा जो थी सिर्फ एक क्लास थी एग्नेथा की, सिर्फ एक क्लास थी साइक्लोस्टोमेटा, और गनेथोस्टोमेटा की मज़ीद आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्लासेस हैं। ठीक है, यानी कि पूरी डिवीज़न आपको याद करनी है, ये पहले ये बेसिकली डिवाइड हुए टू में, एक्रेनिया और
क्रेनिएटा, फिर एक क्रेनिया दो सब फाइलम्स में हो गया, और ये सिर्फ एक सब फाइलम में हुआ वर्टिब्रा में, फिर वर्टिब्रा मज़ीद दो सुपर क्लासेस में डिवाइड हुआ, फिर इन दो सुपर क्लासेस में से एक सुपर क्लास की सिर्फ एक सब क्लास थी, जबकि दूसरी वाली सुपर क्लास की टोटल ये सिक्स सब क्लासेस थी, जो आपको याद होनी चाहिए, क्लास कॉन्ड्रिकथाइस, क्लास ऑस्टिकथाइस, क्लास एम्फीबिया, क्लास रेप्टाइलिया, क्लास एप्स और क्लास मेमेलिया। ये तो इनकी डिटेल्स तो अब आती आएंगी, ये सारी तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। यहाँ तक कि आपको अच्छे तरीके से ये याद होना चाहिए, पूरा अच्छे तरीके से घोल के पी जाओ।